नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीआर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि दारा कारक ग्रह क्या होता है, कैसे यह हमारी मैरिज लाइफ को प्रभावित करता है, हमारे जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है, संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए दर्शकों, कॉल अपॉइंटमेंट पेड होते हैं, इसके शुल्क निर्धारित होते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, दारा कारक ग्रह जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। इसको आपको समझना होगा कि देखिए, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह सबसे कम डिग्री लिए हुए हैं, इसमें देखिए गणना होगी सूर्य से लेकर शनि तक की। इसमें राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी आपकी कुंडली में सूर्य से लेकर शनि के बीच में जो भी ग्रह सबसे कम डिग्री लिए हुए हैं, मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में 0 डिग्री का है या फिर 1 डिग्री का, 2 डिग्री का है, तो ये आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह बनेगा। अब देखिए दर्शकों, जो भी सबसे कम डिग्री लिए हुए ग्रह बनता है, वो आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह बनेगा और ये आपकी मैरिज लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। क्योंकि दारा कारक ग्रह क्या बताता है, ये बताता है हमारे मन की आंतरिक इच्छा को, आपके जीवन साथी के बारे में आपकी कैसी इच्छा है, कैसा पार्टनर आप चाहते हैं, ये दारा कारक ग्रह बताता है। देखिए दर्शकों, सप्तमेश और दारा कारक ग्रह में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेवंथ लॉर्ड हमें बताता है कि हमारे पार्टनर दिखने में कैसे होंगे, एक तरह से प्रॉमिस बताता है, आपकी मैरिज लाइफ को दर्शाता है कि आपकी मैरिज होगी या फिर नहीं, प्रॉमिस ऑफ मैरिज को दर्शाता है, या फिर आपकी मैरिज किस दिशा में होगी, आपके पार्टनर दिखने में कैसे होंगे, ये बताता है सप्तमेश सेवंथ लॉर्ड। और आपके मन में आपके जीवन साथी को लेकर कैसी इच्छाएं हैं, आपकी आत्मा आपकी सोल कैसा पार्टनर चाहती है, ये दिखाता है हमें दारा कारक ग्रह। इसलिए दारा कारक ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज लाइफ को लेकर। दारा कारक ग्रह की गणना करना बहुत अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा मैरिज लाइफ की एक परफेक्ट प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। सप्तमेश और दारा कारक ग्रह दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है मैरिज लाइफ को लेकर। अब देखिए दर्शकों, सप्तमेश तो हमें बताता है कि आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, आपके लाइफ पार्टनर दिखने में कैसे होंगे। वहीं दारा कारक ग्रह बताता है आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, आंतरिक गुण क्या होंगे उनके, और आपके मन की दबी हुई इच्छा क्या है, आप कैसा पार्टनर चाहते हैं, ये दारा कारक ग्रह हमें बताता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दारा कारक ग्रह। अब देखिए दर्शकों, आपकी कुंडली में मान लीजिए दारा कारक ग्रह और सप्तमेश एक ही ग्रह है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। ऐसे में ये अच्छी स्थिति बन जाती है, आपकी जो मन में इच्छा है वैसे ही पार्टनर आपको मिलेंगे। बस एक कंडीशन है कि वो ग्रह मजबूत होना चाहिए और शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। मान लीजिए दारा कारक ग्रह आपकी कुंडली में शुक्र बनते हैं और वही सप्तमेश भी बनते हैं, तो वो केंद्र के भाव से संबंध बना रहे हो, नवमांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में बैठे हों, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो मन की इच्छा है वैसे ही पार्टनर आपको मिलेंगे, ये शुभ स्थिति को दर्शाता है। वहीं दर्शकों, अगर दारा कारक ग्रह और सप्तमेश मित्र हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हैं दोनों, तो भी ये अच्छे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। और मान लीजिए सप्तमेश और दारा कारक ग्रह शत्रु हैं, तो वो दिक्कत देती है, फिर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल पाता, कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो उसका आपको गणना करना आनी चाहिए और कुंडली का विश्लेषण करने के आधार पर ही सटीक जानकारी मिल सकती है। अब देखिए दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह दारा कारक ग्रह बन जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में आपको फिर कैसे पार्टनर मिलेंगे, आपकी कैसी इच्छाएं होंगी, बात करते हैं। देखिए दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह दारा कारक है, तो फिर आप ऐसा पार्टनर चाहेंगे जो कि आपके साथ दोस्त जैसा बनकर रहे, एक फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में रहे, एक रिश्ता मजबूत दोस्ती का भी आपके बीच में बना रहे, ऐसा पार्टनर आप चाहेंगे। बुध के कारण देखिए दर्शकों, आप ऐसा पार्टनर चाहेंगे जो दिखने में काफ़ी यंग दिखे और काफ़ी खूबसूरत भी हो, हैंडसम हो, ऐसा पार्टनर आप चाहेंगे, साथ में जो टॉकेटिव हो, काफ़ी केयरिंग हो और एक तरह से इंजॉय करने वाली पर्सनैलिटी हो, ऐसे पार्टनर की आपकी इच्छा होती है। एक दर्शकों, एक दिक्कत इसमें ऐसी होती है कि बुध अगर आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह बन जाते हैं, तो फिर आप मैरिज को लेकर काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाते हैं, मतलब आपको शादी कब करनी है या फिर नहीं करनी है, कैसा पार्टनर आपको चाहिए, इसमें आप बहुत कैलकुलेशन करते हैं, एक तरह से इस कारण आपकी मैरिज भी डिले हो जाती है कई बार। बुध दारा कारक ग्रह होने पर आप कई बार मैरिज से फ़ायदा देखते हैं, मतलब इन किसी से भी विवाह कर रहे हैं, उसके कारण आपके करियर में कैसी ग्रोथ होगी, कैसी फाइनेंशियल एक तरह से आपको ग्रोथ मिलेगी,
किसी व्यक्ति से विवाह करने के बाद आपका क्या फायदा है उनसे विवाह करके, ऐसी भी स्थिति कई बार आपके मन में आती है। आप ऐसे विचार करते हैं कि इनसे शादी करने के बाद हमारा क्या फायदा है, कैसा फ्यूचर आपका रहेगा, कैसी लाइफ आपकी रहेगी, ये सब बहुत तोल मोल करते हैं आप। ये दिक्कत रहती है बुध दारा कारक ग्रह बनने पर। इसके बाद दर्शकों, ये ऐसे पार्टनर आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो बुध की स्थिति पर निर्भर करता है। बुध अगर दारा कारक ग्रह हैं और वो मजबूत कंडीशन में बैठे हैं, फिर आपके मन की ये इच्छाएं पूरी भी होती हैं। अब देखिए दर्शकों, बुध ग्रह दारा कारक हो तो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पर आपके जो होने वाले पार्टनर हैं वो दिखने में सुंदर तो होंगे, क्योंकि बुध का प्रभाव है तो उनके चेहरे पर एक चमक होगी और उनका जो व्यवहार है काफ़ी अच्छा होगा, मिलनसार होंगे, हंसमुख होंगे आपके पार्टनर, उनका आंतरिक गुण काफ़ी अच्छा होगा, वो हंसमुख होंगे और सबको खुश रखने वाले पार्टनर आपको मिलेंगे। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो स्वभाव कई बार चंचल देखने को मिलता है, क्योंकि बुध का प्रभाव है तो आपके होने वाले पार्टनर कई बार काफ़ी चंचल होंगे, मतलब एक तरह से मौज मस्ती करना बहुत पसंद होगा उन्हें। साथ ही इंटेलिजेंट होंगे निश्चित तौर पर, बुध मजबूत होंगे तो आपके होने वाले पार्टनर इंटेलिजेंट होंगे, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है काफ़ी स्ट्रांग होगी, बोलने से ही वो लोगों को प्रभावित कर लेंगे, अपनी वाणी से काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकेंगे, ऐसे गुण उनके अंदर होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो कई बार ये भी होगा कि वो बच्चे जैसी हरकतें भी करेंगे। मान लीजिए आप मेल हैं और आपकी कुंडली में बुध दारा कारक ग्रह बनता है तो आपकी होने वाली वाइफ काफ़ी चंचल होंगी, मतलब उनके नखरे आपको उठाने पड़ेंगे, ये बात आप मान लीजिए। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो ये राजकुमार या राजकुमारी जैसा स्वभाव है तो वो चाहेंगे कि आप उनको प्रायोरिटी दें, उनकी केयर करें। आपके होने वाले पार्टनर काफ़ी डिमांडिंग भी होने वाले हैं अगर आपकी कुंडली में बुध दारा कारक ग्रह बनते हैं तो। अब देखिए दर्शकों, लाइफ एंजॉय करने वाले पर्सनैलिटी होंगे, काफ़ी मौज मस्ती करेंगे, एक तरह से चिल करना उन्हें पसंद होगा। साथ ही दर्शकों, देखा जाए तो कई बार ये एक तरह से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये बोलने के बहुत शौकीन होंगे, अपनी बातों से आप दोनों एक दूसरे के साथ जो भी मसले होंगे उन्हें सॉल्व कर लेंगे, ये अच्छी चीज़ होगी। इसके साथ ही साथ गुड लुकिंग होंगे, फन लविंग होंगे, टॉकेटिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे, कई बार आप बोर भी हो जाएंगे पर वो चुप नहीं होंगे, ऐसी कंडीशन भी बनेगी। एक बात ये भी है दर्शकों की यहाँ पर आपके लिए मन में जो इच्छाएं हैं वो तो ठीक है, आप कैसा पार्टनर चाहते हैं वो हर इंसान के मन में इच्छा होती है, और जब बुध दारा कारक ग्रह बन जाता है तो हमने जैसी बताई है वो आपकी आंतरिक इच्छाएं होगी। अब वो आपको वैसे पार्टनर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उस वो डिपेंड करता है बुध की स्थिति पर। अगर बुध छठे, आठवें या बारहवें घर से संबंध बना रहे हैं तो फिर ये दिक्कतें देते हैं, फिर ये मैरिज लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा संघर्षों को दर्शाते हैं। कई बार आप अपनी गलतियों के कारण आप बहुत ज़्यादा डिले कर जाते हैं, कैलकुलेटिव हो जाते हैं मैरिज लाइफ को लेकर, तो फिर विवाह होने में देरी हो जाती है, और होती भी है तो फिर लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बिठाने में काफ़ी समय लगता है। तो बुध की स्थिति बहुत निर्भर करती है आपके वैवाहिक जीवन को। दारा कारक ग्रह अगर बुध बनते हैं तो उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, केंद्रों के भाव में बैठे हों, मित्र राशि में बैठे हों, उच्च राशि में बैठे हों, या त्रिकोण से संबंध बनाते हो, या नवमांश कुंडली में भी केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाते हो, तो ऐसे पार्टनर आपको मिलेंगे जिनके साथ आपके एक दोस्ती भरा रिश्ता रहेगा, काफ़ी अच्छी आपके बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, दोनों का कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होगा, इस कारण आपका वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा। परंतु दर्शकों, मेरी यहाँ पर आपको एक एडवाइस है कि बुध आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह बनते हैं तो आपको कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे तो मैरिज लाइफ नहीं चल पाएगी आपकी, एक तरह से इमोशन से मैरिज लाइफ चलती है, तो आपको एक भावनात्मक लगाव दोनों के बीच में होना बहुत जरूरी है। ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे तो मैरिज लाइफ में फिर दिक्कतें आएगी, तो इस प्रकार की स्थिति बनती है अगर आपकी कुंडली में बुध दारा कारक ग्रह बनते हैं तो। अगर आपकी कुंडली में सप्तमेश यानी सेवंथ लॉर्ड और बुध ये दोनों अलग ग्रह हैं और ये मित्र ग्रह हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, फिर इस कंडीशन में आपके वैवाहिक जीवन की मधुरता को दर्शाता है। वहीं बुध आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह हैं और सप्तमेश बुध के कोई शत्रु ग्रह बनते हैं तो वो दिक्कतें दिखाते हैं। अब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। देखिए दर्शकों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।